एक आदर्श नियम के अनुसार किसी भी बगीचे या उद्यान का लगभग 70% क्षेत्रफल जो होता है लॉन के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। लॉन या टर्फ ग्रास का जो एरिया क्षेत्र होता है वो जमीनी पानी को बढ़ावा देने साथ साथ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायक होता है। उसके साथ ही साथ यह मिट्टी सुधारक का काम भी करता है और उसके फलस्वरूप यह मिट्टी के तापमान को कम करने तथा आसपास के तापमान को कम करने में भी सहायक होता है। यह विभिन्न प्रकार के कीट और एलर्जी को भी कम करने तथा चमक को कम करने एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होता है। अब हम बात करेंगे लॉन के उपयोग की। तो लॉन का जो एरिया या टर्फ ग्रास का जो एरिया है उसको हम घरों, स्कूलों, अस्पतालों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के आसपास लगा सकते हैं। इसके अलावा खेल के विभिन्न क्षेत्रों में भी लॉन को लगाया जाता है। गोल्फ कोर्स और वर्टिकल गार्डनिंग के लिए भी लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह की किस्में जो प्रजातियां हैं लॉन में होती हैं, जो कि ठंडे मौसम में उगाए जाने वाली और गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाली। साधारणतः जो लॉन ग्रास में गर्मी की जगहों में उगाई जाने वाली किस्में होती हैं उसमें बरमूडा ग्रास जो है काफ़ी प्रचलन में है और उसकी एक महीन प्रजाति जो कि सिलेक्शन वन के नाम से जानी जाती है वो काफ़ी इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा ठंडी जगहों पर उगाई जाने वाली जो किस्में होती हैं उसमें ब्लू ग्रास, बेंट ग्रास या राई ग्रास जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लॉन को लगाने की प्रमुख चार विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है उसमें लॉन को बीज द्वारा लगा सकते हैं। इसमें लॉन ग्रास के जो बीज हैं उसका लगभग 2.5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर या फिर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसको महीन मिट्टी या रेत या बालू में मिला करके छिड़क देते हैं और उसके पश्चात उस पर रोलर की सहायता से उसे समतल बनाने के बाद हल्की सिंचाई कर दी जाती है। इसके द्वारा बनाया गया जो लॉन होता है वह लगभग 4 से 5 महीने के अंतराल पर तैयार हो जाता है। दूसरी विधि जो है वो है चौभाई या फिर डिबलिंग। यह सबसे सस्ती, धीमी परंतु लॉन लगाने की सबसे अच्छी विधि है। इसमें लॉन ग्रास के जो 2 से 3 गांठों वाले पौधे होते हैं उनको लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तत्पश्चात हल्की सिंचाई करने के बाद इसमें हम लगभग 5 से 7 हफ्तों के बाद हम इसकी मोइंग या कटाई कर सकते हैं। जो लॉन ग्रास है वो लगभग आपकी 3 से 4 महीने के अंतर पर तैयार हो जाती है। इसके अलावा दो अन्य विधियां भी हैं, टर्फ ग्रासिंग और टर्फिंग विधि। जो टर्फिंग विधि है वो काफ़ी त्वरित और तेज विधि है। इसमें लॉन लगाने के लिए इसकी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के वर्गाकार के चटाई नुमा परतें होती हैं जो कि तैयार भूमि पर बिछा दी जाती हैं और उसके पश्चात इसमें रोलर की सहायता से इसको समतल कर दिया जाता है और इसके जो बीच बीच का एरिया होता है जो परताकार जो चाकोर टर्फ्स हैं उनके बीच में मिट्टी और रेत के मिक्सचर को मिलाकर के भर दिया जाता है और हल्की सिंचाई इसमें कर दी जाती है। इस विधि द्वारा लॉन लगभग आपका 1 महीने के अंदर में तैयार हो जाता है। लॉन या फिर टर्फ ग्रास का जो एरिया होना चाहिए वो खुली धूप वाला होना चाहिए और लॉन हमेशा दक्षिणी पूर्वी दिशा में ही लगाना उपयुक्त रहता है। गर्मी के मौसम में लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक मिट्टी की खुदाई करने के पश्चात इसको लगभग 1 से 2 हफ्ते के लिए खुली धूप में छोड़ देना चाहिए और उसमें लगभग 4 से 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जो है वो मिलानी चाहिए और इसकी जो भूमि का जो झुकाव है लगभग हर 50 मीटर पे 2 से 3 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। और लॉन को लगाने के लिए जो उपयुक्त समय है या तो हम फरवरी मार्च या फिर जुलाई अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं तो गर्मी के दिनों में लगभग 2 से 3 दिनों के अंतर पर तथा जाड़े और शीत ऋतु में हम लगभग हफ्ते भर के अंतर पर इसमें पानी देना चाहिए। हमें लगभग 2:1:1 के अनुपात में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट का मिक्सचर जो है वो तैयार करके इसको एक बार फरवरी मार्च और एक बार जुलाई अगस्त के महीने में दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी मोइंग या फिर जिसे हम कटाई कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लॉन या फिर टर्फ ग्रास के एरिया को मेंटेन करने के लिए। लॉन को 2 से 3 इंच से ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। गर्मी के दिनों में लॉन को बहुत नीचे से नहीं काटना चाहिए जिससे कि उसमें पानी की कमी होती है और लॉन के सूखने तथा कीट और रोग व्याधियों के आने की समस्या हो सकती है। मुख्यतः इसमें फेयरी रिंग या डॉलर स्पॉट जो कि
मृदा से जनित कवक द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। इसके लिए हम बोर्डियक्स मिक्सचर जो कि कॉपर सल्फेट चार भाग इसमें हम चूना और 50 लीटर लगभग पानी का इस्तेमाल करके इसका स्प्रे हम 15-15 दिनों के अंतर पर करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन के बहुत ज़्यादा कठोर या सूख जाने पर इसमें रोडेंट्स या फिर दीमक की प्रॉब्लम आती है, तो चूहे आदि की प्रॉब्लम समस्याओं के लिए हम इसमें जिंक फॉस्फाइड या फिर एल्युमिनियम फॉस्फाइड का धुआं कर सकते हैं, तथा दीमक की समस्या के समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस का 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसमें 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। हम ऐसा भी देखते हैं कि वर्षा ऋतु में इसमें मोथा जो कि साइप्रस रोटेंडस के नाम से हम इसको जानते हैं, इसकी समस्या काफ़ी हो जाती है, तो इसको हम या तो पतली खुरपी की सहायता से, नुकीली खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं, और अगर हम इसके केमिकल उपचार की बात करें तो इसे हम सनराइज हर्बिसाइड जो कि 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव हम कर सकते हैं, जिसमें आती है स्क्रैपिंग और रैकिंग। मई और अप्रैल के महीने में हम लॉन को दराती की सहायता से अच्छी प्रकार से जमीनी एकदम निचली सतह से काट देते हैं, और तत्पश्चात हम उसमें रैकर की सहायता से अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लॉन में पानी, खाद और हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता है और लॉन हमारा एक स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है। अगर हमारा लॉन बहुत ज़्यादा कठोर और मिट्टी के बहुत ज़्यादा कठोर हो जाने की वजह से यह समस्या आती है, तो हम इसमें स्प्लाइसिंग या फिर स्पाइकिंग की सहायता जो कि चाकू की तरह से नुकीले और धारदार डिस्क पे माउंटेड रोलर की मदद से हम उसको चला करके इसमें लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ये मिट्टी को छेद देते हैं, जिसकी सहायता से जो कठोर मिट्टी जो है वो काफ़ी मुलायम हो जाती है और इसमें पानी, खाद और हवा का आवागमन सुचारू रूप से होता है, जिससे कि लॉन की वृद्धि अच्छी होती है। इसके अलावा डीथैचिंग की भी एक प्रक्रिया होती है, इसमें जो सूखी पत्तियां हैं, जड़ें या फिर सड़ी गली पत्तियां हैं, उनको हम डीथैचर की सहायता से हटा देते हैं, जिससे कि हमारा लॉन जो है वो सुचारू रूप से और वृद्धि कर पाता है। अगर हम बात करें इसमें लाइमिंग और सल्फरिंग की, तो जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो उस अवस्था में हमें इसमें लाइमिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें हम चूना, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल लगभग 250 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से कर सकते हैं, और मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाने पर हम उसमें सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं।